जिला में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 200 करोड़ के फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। आलम यह है कि क्रिप्टोकरेंसी के खेल में फंसे लोग ना इधर के रहे ना उधर के, जिन्होंने लोगों को विश्वास में लेकर पैसा जमा करवाया था उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। हमीरपुर जिला के हजारों लोग फ्रॉड के इस जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कहां से न्याय मिलेगा इसका भी कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। लोगों ने यहां तक कह दिया कि पुलिस उनकी बात को नजरअंदाज कर रही है। मामला वर्ष 2019 का बताया जा रहा है कि जब एक कंपनी ने लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए लुभावने प्लान दिए। 9 से 10 महीने में पैसा डबल करने के दावे कर रही कंपनी ने लोगों को पैसा इन्वेस्ट करा दिया। जब कंपनी के पास करोड़ों जमा हो गए तो कंपनी का नाम बदल दिया गया। कंपनी का कई बार नाम बदला तथा अब हालात ऐसे हैं कि जमा किए गए करोड़ों रुपए पर कंपनी ने कुंडली मार ली है। सर, हमने इस कंपनी में अपनी खुद की ही $30,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हमारे साथ और भी लोग हैं जिनकी भी इन्वेस्टमेंट है, कईयों की कम है कईयों की ज़्यादा। तो अब कंपनी के माध्यम से इन लोगों का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ प्रशासन के साथ बात करने के लिए आए हैं कि हमारे जो लोग लगे हुए हैं इनका सबका पैसा जो वापस किया जाए और गरीब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इनको राहत दी जाए। थैंक यू। बलवान सिंह है, मैं चबूतरा जिला हमीरपुर से के रहने वाला हूँ और सन 2019 में जो है वो कॉर्बियो के नाम से जो है वो एक कंपनी के जो कुछ प्रचारक थे वो हमारे घर पर आए, तो सन 2020 में वो हमारे पास आए और बीच में जो है वो कुछ उन्होंने उदाहरण दिए कि पुलिसकर्मी जो है वो भी इस कार्य में जो है वो लगे हुए हैं और उन्होंने ये बताया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्होंने जो प्लान दिया था तो उस हिसाब से मतलब 9 महीने से 11 महीने के बीच में इसमें जो है वो अलग अलग प्लान थे, $100, $500, $1,000, $5,000 और $10,000। तो इसके जो है वो अलग अलग वीकली इनकम जो है वो बताया करते थे और शुरू में वो वीकली इनकम आती भी रही थी और उसके बाद जो वो जैसे हमारे से पूछ लेते थे कि आपका कोई और रिलेटिव और कोई भाई बहन या कोई जानने वाला है तो उसका वो हमारे से पूछ लेते थे और वैसे उन घरों में चले जाते थे और वहाँ से भी हमारा रेफरेंस देके जो है वो इस प्रकार से जो वो वहाँ से पैसे लेते रहते थे। लेकिन कुछ समय तक जो वो ये पैसे देते रहे और बाद में इन्होंने क्या किया कि पैसा देना भी बंद कर दिया और उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी जो साइटें हैं वो भी बंद कर दी हैं। तो हमारे पास कुछ उनकी साइटों के जो कुछ जो आईडीज लगी थी उनके जो प्रूफ हैं वो हमारे पास कुछ हैं और इसमें जो है वो मेन सुभाष शर्मा मंडी से है और सुखदेव वो भी मंडी से हैं और क्या नाम हेमराज जी वो भी मंडी से हैं तथा अभिषेक शर्मा बंगाणा से हैं और क्या नाम प्रवीण कालों जो कि बिजड़ से हमीरपुर से ही हैं और राम कुमार जो कि सुजानपुर से हैं। अच्छा, तो बताएंगे कि जो ये फर्म थी उसमें कितने एम्प्लॉय थे जिनको साथ में जोड़ा गया था, राउंड अबाउट कितने होंगे हमीरपुर में? हमीरपुर की बात करें तो इस समय जो है वो लगभग जो है वो कम से कम 2-3 हज़ार लोगों से ऊपर ही होगा। और इन्वेस्टमेंट जो की है उसका आंकड़ा क्या रहा होगा? इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा इसमें जो है वो जैसे अभी पीछे न्यूज़ लगी थी बड़सर की, तो उसमें 100 करोड़ का तो बड़सर का ही बताया गया था, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 200 करोड़ के लगभग जो है वो जिला हमीरपुर का ही हो सकता है। तो अभी क्या डिमांड आप सरकार से करते हैं, प्रशासन या पुलिस विभाग से? अभी हम कुछ दिन पहले जो है वो दिल्ली में समय लिया था हमने रामदास अठावले जी से और उनसे जो है वो मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जो है वो पूरी पूरी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जो है वो अभी परसों जो है वो हिमाचल प्रदेश से दिव्य हिमाचल से न्यूज़ भी लगी थी और उसमें जो है वो मतलब आगे अब DGP शिमला और उसमें क्या नाम हमारे डिप्टी CM जो आगे क्या कार्रवाई करते हैं उसके बारे में आगे पता चलेगा। हमीरपुर से दिव्य हिमाचल TV के लिए सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।